हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लूमिन लाइफ चैनल। आज मैं आपके साथ एक ऐसे नाश्ते की रेसिपी शेयर करूंगी जो बनाने में जितनी इजी है, खाने में उतनी ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। तो चलिए देखते हैं हमने रेसिपी कैसे बनाई है। सबसे पहले हमने एक बड़ा बर्तन लिया है, उसमें हमने 1.5 बॉल बेसन ऐड कर दिया है। फिर हमने 1/4 कप राइस फ्लोर, 1 स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 स्पून धनिया पाउडर, 1 स्पून जीरा, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 स्पून नमक और 1 स्पून वाइट तिल। अब हम इसमें 1 बॉल हरा धनिया ऐड करेंगे। तो ये हमने सभी चीज़ हमने डाल दिया है। अब हमको इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। जैसे ही सभी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी, फिर हमको इसका एक डो लगाना है। तो पानी आपको धीरे धीरे करके डालना है। इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमने हरा धनिया डाला है तो उसमें भी काफ़ी पानी होता है। तो देखो, ये मैंने पानी डाल दिया है। अब हमको इसका एक डो लगाना है। तो ये आप देख सकते हो, डो लगकर रेडी हो गया है। थोड़ा बहुत ये चिपकता है, तो आप इसको किसी भी स्पून की हेल्प से निकाल दीजिए। तो डो लग गया है। अब हम एक बड़ा बर्तन लेंगे, बर्तन आप कोई भी ले सकते हो। तो यह हमने केक का बर्तन लिया है। पहले हमको इसको बहुत अच्छे से ग्रीस कर देना है ऑयल से। फिर हम इसमें जो हमने डो लगाया था उसको हम डाल देंगे और इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। देखो, मेरे पास गोल बर्तन है तो मैंने गोल में किया है। अगर आपके पास रेक्टेंगल या स्क्वायर है तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको अच्छे से स्प्रेड कर सकते हो। तो देखो, यह हमने बहुत अच्छे से कर दिया है। तेल आपको ज़रूर लगाना है ताकि ये इजली से निकल जाए। अब हम इसमें वाइट तिल ऊपर से डालेंगे और इसको हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि वाइट तिल इसमें अच्छे से चिपक जाए। अब हमको इसको स्टीम करना है। हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें हमने पानी डाल दिया है। जैसे ही पानी में बॉयल आएगा, फिर हम उसके ऊपर स्टैंड रखेंगे और स्टैंड के ऊपर हम बर्तन रखेंगे जिसमें हमने बैटर डाला है। अब हम इसको कवर कर देंगे 15 मिनट्स के लिए। फिर 15 मिनट्स के बाद हम चेक करेंगे। 15 मिनट्स हो गए हैं। अब हम चेक करते हैं कि बेसन अच्छे से पक गया है या नहीं पका है। तो हमने एक स्टिक ली है, उसको हम अंदर डालेंगे। देखो, ये क्लीन निकल रही है ना, तो इसका मतलब बेसन अच्छे से पक गया है। जैसे हम केक चेक करते हैं, इसको भी हमको ऐसे ही चेक करना है। अब हम इस बर्तन को निकाल देंगे और ठंडा होने देंगे। जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये बहुत इजली से निकल जाता है। हमने तेल लगाया था ना, तो निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। देखो कितने अच्छे से बन गया है ना, देखो लग रहा है ना कितना टेम्पटिंग। अब हम इसकी पीसेस करेंगे। पीस आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, जैसे आपको चाहिए। तो मैं इसको ट्राइंगल में कट कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी शेप में कट कर सकते हो। एक पीस मैं आपको दिखाती हूँ, देखो अंदर से कितने अच्छे से पका हुआ है, ये आप देख सकते हो। चाहे तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, या फिर आप इसको डीप फ्राई या फिर सेलो फ्राई भी कर सकते हो। आज हम इसको सेलो फ्राई करेंगे। देखो लग रहा है ना कितना टेम्पटिंग। सेलो फ्राई करने के लिए हमने एक पैन लिया है, उसमें हमने ऑयल डाल दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, फिर हम इसमें वाइट तिल ऐड करेंगे। जैसे ही वाइट तिल चटकने लगेगा, फिर हम इसमें पीसेस ऐड करेंगे जो हमने कट की थी ट्राइंगल शेप में। देखो इस तरह हम सभी पीसेस को ऐड कर देंगे। देखो यह हमने ऐड कर दिया है। जैसे ही इसमें एक साइड अच्छा कलर आ जाएगा, फिर हम इसको पलट देंगे। तो हमको दोनों साइड में इसका बहुत अच्छे से कलर लाना है। अंदर से तो ये पका हुआ है, बस बाहर से हमको इसको हल्का सा क्रिस्पी करना है। जैसे ही इसके दोनों साइड से अच्छा सा कलर आ जाएगा, फिर हम इसको निकाल देंगे। दोनों साइड से इसमें बहुत अच्छा सा कलर भी आ गया है और ये क्रिस्पी भी बन गए हैं। तो देखो हमने स्नैक्स बनाकर रेडी कर दिया है। तो देखा आपने, ये बनाना कितना ईजी है। इसको आप चाय के साथ, ग्रीन चटनी के साथ या फिर सॉस के साथ, किसी के साथ भी ले सकते हो। आपको यदि रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।